कबीरदास जी एक दिन अपने दुकान पर, आप सब जानते हैं जुलाहे थे, तो जा रहे थे, चले गए कहीं, पुत्र कमाल को बिठा गए, कमाल बैठो और जो भी बिक रहे हो बिक्रय करो और रात्रि में जो भी आवे आए वो हमें बताना, ठीक है। एक व्यक्ति आया, उसने सारे कंबलों की गांठ खरीद ली, जितना माल था दुकान में सब खरीद लिया। जब पैसा देने का नंबर आया तो उसने कुछ सिक्के हाथ में पकड़ाए, कमाल ने गिने तो गिनते में पता चला कि वो तो खोटे सिक्के हैं। एक खोटे सिक्के देता है, ले ना हम नहीं देंगे इस कंबल को। अब वो बेचारा चुपचाप सक पका करके चला गया। कबीर जी शाम को आए, उन्होंने पूछा क्या बिका? बोले महाराज बिक तो सब कुछ जाता, पर जो व्यक्ति आया था वो खोटे सिक्के दे रहा था, इसलिए मैंने कुछ नहीं दिया। कबीर दास जी ने सिर पर हाथ मारा, अरे भैया गड़बड़ कर दिया, अरे खोटे सिक्के में ही वह कंबल उनको दे देते। अरे पिताजी कैसी बात करते हो, खोटा सिक्का लेकर के क्या करते हैं? अरे खोटे सिक्के से कंबल देते तो हम फिर कहां देते? तो कबीर दास जी ने कहा बेटा वो हमारा बहुत पुराना ग्राहक है और वो जब भी आता है कंबल लेकर के जाता है तो खोटे सिक्के ही हमको देता है। पिताजी अच्छा आप ले ले तो। बोले हाँ। कबीर दास जी को पीछे लेकर के गए, कहां लेकर के गए? आंगन में पीछे, तो वहां कच्ची मिट्टी थी, कच्ची मिट्टी को खोद करके दिखाया। बोले देखो जब से और अब तक जितने भी उसने खोटे सिक्के दिए मैंने उन सिक्कों को इसमें डाल रखा, गाड़ रखा है। क्यों? मैं इससे इसलिए सिक्के ले लेता हूं कि आज ये मुझको दे रहा है तो अच्छी बात है, कहीं किसी दूसरे को मूर्ख नहीं बनाएगा, कहीं और चलाएगा तो किसी और का अहित होगा, नुकसान होगा, इसलिए उस दूसरे का अहित ना हो तो मैं इन सिक्कों को अपने पास रख लेता हूं और मैं किसी दूसरे को नहीं चलाता। हम लोग तो कहते हैं हमारे पास फटा हुआ नोट आ जाए तो हमको उसको गले में थोड़ी नहीं रखते, बोलिए क्या करते, तुरंत उसको चलाते। हाँ तो ऐसे शरारती लोग हैं, पहले अठन्नी चलती थी भैया जी, अठन्नी तो अठन्नी और अठन्नी को चिपका करके पांच का सिक्का बना देते थे, हमने देखा है इसलिए हम बता रहे हैं, और उसको चला। आज भी नकली नोट कितने चल रहे हैं आप लोग देखो। तो कबीर दास जी का चरित्र उनको सुनना चाहिए। कबीर दास जी ने कहा ये सिक्के हमने चलाए नहीं, इनको यहीं गाड़ करके रखा, और आज हुआ क्या, उन्होंने ऐसा किया तो उनके यहां पर कच्चा सूत कहां से आता उनको खुद ही नहीं पता। जिस सर्वोच्च की सत्ता में वह सहायक बने हुए हैं वही दिव्य पुरुष उनका सहायक बना हुआ है, अपने आप न जाने कहां से भरभंडार हो रहा है उनको ही नहीं पता। ये ऐसा चमत्कार। और महाराज जी बाद में तो प्रसिद्ध हो गया कबीरा मन निर्मल भया, अरे जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। अरे कबीर, अरे कबीर रुक, पीछे पीछे कौन, कोई साधारण नहीं चल रहा, हरी फिरे और कहत कबीर कबीर। ये कब हुआ? और महाराज जी वो सिक्कों को चलाने के चक्कर में ही लग जाते कि यहां का वहां करूं, इसकी टोपी इसको पहनाऊं, तो फिर क्या कबीरदास जी के लिए आज ये साखी गाई जाती? नहीं गाई जाती। हम लोग तो इसी चक्कर में पड़े हैं, यहां लाओ वहां करो, यहां की टोपी वहां पहनाओ, वहां झूठ वहां कपट, तो हम लोग तो कब जिए और कब मर जाएंगे कोई पता ही नहीं चलेगा। 10-20 पीढ़ी बाद कौन हमारा नाम याद रख रहा है? कबीरदास जी को 500 वर्ष पूर्व हुए और आज भी गाया जा रहा है, और कितने काल तक गाया जाएगा, क्योंकि आपका जीवन ऐसा चिंतन पूर्ण रहा। इसलिए संतों ने अपने आप को कितना सुधार, कितना अनुशासित रखा, ये इन चरित्रों से पता चलता है।